अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ पाकिस्तानी जायका में बिहारी पराठा रोल। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो मुर्गी ली है, जिसको मैंने बोनलेस लिए और जिसे क्यूब्स में काट दिया। बड़े बड़े क्यूब्स करने हैं इसके, छोटे क्यूब्स नहीं, बड़े क्यूब्स करने हैं, क्योंकि फिर पकने के बाद छोटे हो जाते हैं। और मैंने ये 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा डालूंगी, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डालूंगी और 1/2 किलो दही डालूंगी। और उसमें मैं ऐड करूंगी शान का टिक्का मसाला पैकेट। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं एक बर्तन में मुर्गी को डालूंगी। ये मैंने मुर्गी ऐड कर दी सारी। ये मैंने 1 किलो मुर्गी बोनलेस ली है, जिसे मैंने क्यूब्स में काट दिया है। इसमें मैं 1/2 किलो दही, जिसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है, वो ऐड कर दूंगी। और इसमें ऐड करूंगी मैं पिसी हुई काली मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा ऐड कर दूंगी। ये मैंने 1 चम्मच शान टिक्का मसाला लिया है, इसको मैं 2 चम्मच डालूंगी। इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार होगा, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बिहारी पराठा रोल बना रही हूँ मैं, और मैं इसको 2 घंटे के लिए अच्छी तरह मैरिनेट कर दूंगी। अब मैं इसे अच्छी तरह हिला दूंगी। देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं होगी। अब मैं इसे अच्छी तरह हिला रही हूँ। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दूंगी। और जो मैं पराठा रोल की रोटी बनाऊंगी, उसका आटा भी मैं बताऊंगी आपको मैं कैसे भूनूंगी। ये मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दूंगी। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब मैं इसे 2 घंटे मैरिनेट करूंगी, फिर 1/2 घंटे के लिए दम पे छोड़ूंगी। फिर इसका पानी खुश कर कोले की धुई दूंगी, जिससे बहुत ही जबरदस्त बिहारी टेस्ट आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये 2 घंटे मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसे फ्लेम पे चढ़ा दूंगी 1/2 घंटे के लिए। पहले मैं थोड़ी देर तेज आंच पे पकाऊंगी, फिर इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा, फिर इसे मैं दम कर दूंगी 10 मिनट के लिए। व्यूअर्स, इसमें उबाल आ गया है। अब मैं इसे तेज आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि सुबह से मैरिनेट हुई हुई थी, मुर्गी गल चुकी होगी। बस अब मैं 10 मिनट इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए, जब तक फ्लेम फुल रखूंगी, फिर फ्लेम बंद कर दूंगी मैं इसका। मैं बिहारी पराठा रोल का आटा गूंद रही हूँ। ये मैंने 1/2 किलो मैदा लिया है, इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी और 2 1 अंडा ऐड कर दूंगी। और इसमें मैं डालूंगी 1 प्याली तेल, जिससे हमारे पराठा रोल की जो रोटी होती है वो बहुत ही नरम और मुलायम और बाहर से क्रिस्पी होगी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। अब मैं इसमें 1 प्याली तेल ऐड कर दूंगी। अब मैं पहले मसाला हो चुका है हमारा, जो पराठे रोल का मसाला बिहारी, वो उसका पानी खुश्क हो गया। अब पहले मैं आपको वो दिखाऊंगी पूरा, पहले हम उसे तैयार करेंगे, फिर मैं इस तरफ आती हूँ दोबारा। देखिए व्यूअर्स, हमारा अच्छी तरह मसाला खुश हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैं मसाला रहने दूंगी, क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट महसूस होगा आपको। और मैंने कोयले गरम कर दिए, तेज आंच पे कोयले गरम कर दिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये, और मैं जल्दी से इसपे तेल डालकर ढक दूंगी, ताकि अच्छी तरह कोयले की स्मेल हो जाए इसमें। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। देखिए व्यूअर्स, हमने मसाला दिखा दिया। अब दोबारा मैं इस तरफ आ गई हूँ। मैंने इसमें मैदा, अंडा और तेल ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह हिला दूंगी, मिक्स कर दूंगी। इंशाल्लाह आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएगी, बहुत ही मजेदार होती है। मैं इंशाल्लाह, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मायो रोस्ट रोल भी सिखा दूंगी मैं आपको। और मेरे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं आपको वो इमली वाली चटनी सिखाऊंगी। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी इमली वाली चटनी भी बहुत जल्द। मैं आपको हमेशा ऐसी रेसिपी बताती हूँ जिसमें कम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो। देखिए व्यूअर्स, ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अच्छी तरह मचाएंगे आटे को।
बहुत ही फ्लफी होगा, इंशाल्लाह आप बनाइएगा रोटी बिल्कुल नरम बनेगी आप इस तरीके से आटे होंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है, मैंने अपना तरीका आपके साथ शेयर किया है कि मैं किस स्टाइल में आपके साथ ये रोल बना रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारा आटा रेडी हो गया है। इसमें मैंने आधा किलो आटे में एक अंडा और एक कप तेल डाला है। वो इसलिए डाला है कि रोटी नरम हो और बाहर से क्रिस्पी हो। अब मैं आपको पराठे रोल बनाकर इसका पराठा बनाऊंगी, फिर रोल बनाना सिखाऊंगी। अब ये मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छा सा अंदर तक नरम हो जाए आटा। बस ये हमने एक पेड़ा बना दिया है, जो हमारी रोटी का साइज होता है वो ही साइज रखेंगे, बड़ा साइज नहीं लेना है। अब मैं इस पर थोड़ा सा प्लेटर लगाऊंगी आटे का, इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। फिर दोबारा आटा नहीं लगाना है वरना इसकी रोटी सूख जाएगी। अगर आपने हमारा पेज पाकिस्तानी जायका लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। जब हल्की सी सिक जाएगी रोटी हम फ्रंट कर देंगे। अब मैं इसमें तेल डालूंगी, अगर आप ज्यादा ऑयली खाते हैं तो ज्यादा ऑयल डालें, मैं थोड़ा कम खाती हूँ तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। रोल पूरी वाले भी बनते हैं, जैसे हमने आपको पूरी बनानी सिखाई थी। आप हमारी पीछे जो हमारी वीडियो आ चुकी है पहले, आप उसमें देख सकते हैं। उसी स्टाइल में आप पूरी में भी रोल बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। पंजाबी लोग ज्यादा वो पसंद करते हैं, ज्यादा ऑयल खाने से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो आप कम इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा। ये हम इसे हल्का ही फ्राई करेंगे, हल्के हाथ से फ्राई करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे, क्योंकि मैदा अंदर तक नहीं पकता है। इसे हल्की आंच पे पकाएंगे हम। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी रोटी तैयार हो गया। अब मैं इसमें जो हमारे मसाला दिखाया था, अब मैं वो डालूंगी। बहुत ही मजेदार होते हैं ये बिहारी रोल, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रोल कैसे लगे। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो प्याज ऐड करें, ना आपकी मर्जी है। अब हम इसमें थोड़ी सी चटनी ऐड करेंगे। अब मैं इसे अच्छी तरह फोल्ड कर दूंगी। देखिए व्यूअर्स, हमारे पराठे रोल तैयार हो गए हैं। अगर आपने हमारा पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।